नमस्कार। आज वर्ल्ड मलेरिया डे के उपलक्ष्य में नागपुर से सुप्रसिद्ध कंसल्टिंग फिजिशियन डॉक्टर आनंद काटे सर हमारे साथ है। आइए जानते हैं मलेरिया के विषय में डॉक्टर साहब से आरोग्य मंत्रा शो में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अगर मलेरिया के विषय में जानना चाहे तो मलेरिया ये क्या होता है, आसान भाषा में अगर हम जानना चाहें आम पब्लिक के लिए? मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो एक, जिसको अपन बोलते हैं, प्रोटोजोआ से होती है। मलेरियल पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म का नाम है, वो जब अपने शरीर में जाता है तब ये मलेरिया की बीमारी होती है। और उसका माध्यम शरीर में जाने का रहता है अपने जो मॉस्किटोस, मच्छर जो रहते हैं, उसको एक विशिष्ट जाति के मच्छर ने काटा तो मलेरिया होता है, जिसका नाम होता है फीमेल एनोप्लीज मॉस्किटो। ये जो मच्छर है ये अक्सर अपने को रात के टाइम पे, यानी अंधेरे में काटते हैं, और उनके काटने से अगर वो पैरासाइट अपने शरीर में, अपने ब्लड में जाते हैं तो मलेरिया की बीमारी होती है। सर ये तो हो गई मलेरिया के बारे में चर्चा, लेकिन अगर हम कारणों के विषय में जानना चाहें तो क्या प्रमुख कारण होते हैं मलेरिया होने के? सबसे बड़ा कारण और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है मच्छरों की ज़्यादा पैदाइश होना। ज़्यादा तादाद में मच्छर आपके एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उन्हीं के थ्रू मलेरिया अपने को ये होता है, मलेरिया का इन्फेक्शन होता है। तो ये सबसे मेन कारण है, और इसी कारण को अपन कंट्रोल कर सकते हैं मच्छरों को कंट्रोल करके। ये तो हो गए हम कारण संबंधी बातें, लेकिन अगर हम जानना चाहें तो क्या एक मलेरिया के पेशेंट में हमें मुख्य लक्षण नज़र आते हैं और हम जान सकते हैं कि ये मलेरिया है? मलेरिया का मुख्य लक्षण होता है एक हाई ग्रेड फीवर, जिसको अपन बोलते हैं कि बुखार आता है, काफ़ी तेज़ बुखार आता है, 102-103। लेकिन बुखार आने के पहले जनरली बहुत ठंडी लगती है मलेरिया के पेशेंट को। उसके तीन स्टेज होते हैं, पहले स्टेज में बहुत ठंडी लगती है, उसके बाद में बहुत पसीना आता है, और फिर पेशेंट एकदम ठंडा पड़ जाता है। ये तीन का लक्षण बहुत ही टिपिकल होते हैं, और इसका एक पीरियोडिसिटी रहती है मलेरिया की, कभी एवरी 72 आवर्स आता है कुछ कुछ किस्म का मलेरिया, कुछ कुछ किस्म का मलेरिया एवरी 48 घंटे में फीवर चढ़ता है और ठंडी बचती है। तो ये मलेरिया के मुख्य लक्षण है जो शुरुआत में आते हैं, और बाकी फिर जैसे भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वैसे उसके लक्षण फिर बदलते जाते हैं। सर अगर हम निदान संबंध में बात करें तो क्या पैटर्न है, क्या टाइप है जिससे ये निदान हो पाता है कि इस पेशेंट को मलेरिया है? सबसे पहले तो पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री जान लेना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को डॉक्टर ने एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है, और मलेरिया का एंडेमिसिटी, जिसको बोलते हैं कि कौन से एरिया में मलेरिया के मरीज़ ज़्यादा दिखते हैं, उसकी भी मालूमात अपने को रखने को ज़रूरी है। उसके सब हिसाब से अपने को शक होता है कि इसको मलेरिया हो सकता है, फिर उसकी जो टेस्ट करते हैं उसको सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेसिक टेस्ट रहती है पेरिफेरल स्मियर बोलते हैं उसको, जबकि उसके ब्लड लिया जाता है पेशेंट का, और एक उसकी फिल्म बना के विशिष्ट प्रकार से उसको स्टेन करके उसमें मलेरियल पैरासाइट्स देखे जाते हैं। मलेरियल पैरासाइट पॉजिटिव रहते हैं तो डेफिनेटली 100% वो मलेरिया है। लेकिन आजकल नए किस्म के भी टेस्ट आए हैं, जिसको कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, जो कि 5 से 10 मिनट में अपने को सिर्फ एक ड्रॉप ब्लड से पॉजिटिव या निगेटिव आता है। और सबसे सोफिस्टिकेटेड टेस्ट उससे भी एक PCR करके टेस्ट आता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है और उसके लिए काफ़ी बड़ी लैब और फैसिलिटीज़ लगती है। लेकिन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से आजकल बहुत ही फास्ट और रिलायबल डायग्नोसिस मलेरिया कर सकते हैं। ये तो थी निदान संबंध में बातें। सर अगर हम जानना चाहें उपचार, तो उपचार किस प्रकार की उपचार पद्धति ये मलेरिया पर उपलब्ध है? कॉमनली दो प्रकार के मलेरिया अपने यहाँ देखे जाते हैं, एक तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नाम का एक पैरासाइट होता है उसका, दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम नाम का जो पैरासाइट होता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जो मलेरिया होता है यूजुअली माइल्ड रहता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का मलेरिया होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, काफ़ी सीरियस हो सकता है, उसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया जो है उसमें सिंपल अपना पुराना ड्रग है, क्लोरोक्विन का ड्रग है, वो क्लोरोक्विन की हिस्से वो ट्रीट हो सकता है। लेकिन इसमें एक ये रहता है कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया जो रहता है वो रिपीट हो सकता है, रिलैप्स हो सकता है, क्योंकि उसके पैरासाइट लीवर में अपने बस जाते हैं ठीक होने के बाद भी, पेशेंट ठीक होने के बाद। तो उसके लिए
स्पेशल प्राइमाक्वीन करके एक ड्रग है, उसके लिए उसको 14 दिन तक उसकी ट्रीटमेंट आगे देना पड़ता है। लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया जो सीरियस किस्म का मलेरिया है उसमें अपने को ट्रीटमेंट अलग रहती है। अभी नया ड्रग आर्टिसुनेट करके नया ड्रग आया है, उसके अलग अलग ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन आते हैं, उसके ये ड्रग से प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की ट्रीटमेंट होती है। और अनकॉम्प्लिकेटेड अगर मलेरिया रहा तो यूजुअली बहुत अच्छे से ट्रीट होकर जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन अगर 72 घंटे में प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का मलेरिया उसका फीवर अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो मेरे ख्याल से उसको एडमिट करके उसको बराबर इन्वेस्टिगेट करके ट्रीट करना चाहिए। हमारे देश में एक अक्सर कई बीमारियों को निग्लेक्ट किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता अवेयरनेस की कमी के कारण। सर अगर हम बचाव संबंध में बात करते हैं तो किस तरीके से इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है या इसका बचाव किया जा सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट बचाव का तरीका है मच्छरों का जो ब्रीडिंग प्लेसेस रहती है, जहाँ पे अपने घर में जहाँ पानी जमा रहता है, समर में यूजुअली कूलर्स रहते हैं और बारिश आने के बाद वो कूलर यूज़ नहीं होता लेकिन उसमें पानी रहता है, या कुछ ऐसे बर्तन या मटके वटके बाहर पड़े रहते हैं, कोई टायर वगैरह पड़े रहते हैं उसमें पानी जमा रहता है, उसमें मच्छरों का ब्रीडिंग होता है। और कुछ कुछ ऐसे जो पॉन्ड्स रहते हैं एरियाज़ में उसमें भी मच्छरों का ब्रीडिंग होता है। तो ये ब्रीडिंग साइट्स को अपन ने अगर कंट्रोल किए तो उसमें मलेरिया का ट्रांसमिशन अपन ख़त्म कर सकते हैं। बहुत पहले वो कुछ गवर्नमेंट ये चलाती थी, उसमें पानी के पॉन्ड्स पे रॉकेल या तेल डालना ताकि मच्छर जो ये रहते हैं, या कुछ फिश डालते हैं जो जो मच्छरों के जो लार्वे रहते हैं उनको खा जाते हैं। तो ये जो मच्छर कंट्रोल इज़ द प्राइमरी ये प्रिवेंशन का ये है। वैक्सीन की भी कोशिश पूरी दुनिया में मलेरिया की चल रही है लेकिन वैक्सीन अभी तक कुछ मलेरिया के लिए बना नहीं है। तो सबसे आसान और सबसे कॉमन मलेरिया कंट्रोल करने का तरीका है मच्छरों को कंट्रोल करना है, और जैसे कोई साइंस दिखे तो प्रॉपरली और जल्दी से जल्दी पेशेंट को ट्रीट किया करना है, तभी वो मलेरिया और उसके कारण होने वाली डेथ्स और बाकी ये कंट्रोल हो सकता है। सर हमारे देश में अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई बीमारी होती है घरेलू इलाज के तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसमें मलेरिया प्रमुखता से हम देख सकते हैं, तो ये कितना घातक हो सकता है एक पेशेंट के लिए घरेलू उपाय जो घरेलू इलाज होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया अभी कि फैल्सिफेरम मलेरिया अगर होता है तो वो बहुत सीरियस कभी कभी हो सकता है, और अगर जल्दी ट्रीट नहीं किया तो वो उसका कॉम्प्लिकेशन से सेरिब्रल मलेरिया उसको बोलते हैं, जो जो ब्रेन को भी अफेक्ट करता है वो बहुत सीरियस होता है, उसमें पेशेंट के डेथ होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरी चीज़ फैल्सिपेरम मलेरिया में मल्टी ऑर्गन फेलियर यानी किडनी फेल हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, ये बराबर ट्रीट न होने के कारण ही होता है। तो इसलिए घरेलू इलाज न किए तो ज़्यादा अच्छा है, जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करिए और प्रॉपर डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट लीजिए। सर इस वक्त जो देशवासी आपको देख रहे हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे पर क्या एक संदेश आप देशवासियों को देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि मलेरिया को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और मच्छरों की जो पैदाइश होती है अपने घरों में पानी के जो जमा रहता है उसमें ये करना चाहिए, सब जो कूलर्स है या कोई अपने टायर्स है बर्तन है बाहर पड़े रहते हैं उसमें पानी जमा रहता है उसको उसमें ट्राई रखना चाहिए, और जहाँ तक हो सके जैसे भी कोई हाई ग्रेड फीवर के सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करके उसकी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सर आपने हमारे दर्शकों को बहुमूल्य जानकारी दी मलेरिया के विषय में, उसके लिए आपका धन्यवाद।